नमस्कार साथियों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल गुरुजी हेल्पडेस्क पर। तो दोस्तों, हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की तरफ से आज दो नए रिजल्ट जो है वो जारी किए गए हैं। आज कितने रिजल्ट जारी किए गए हैं? दो रिजल्ट जो है वो आज जारी किए गए हैं। कौन कौन सी एडवर्टाइजमेंट नंबर थी, क्या कट ऑफ रही थी, कितनी पोस्टें थी, सारी जानकारी जो हम आपको इस वीडियो के दौरान देने वाली है। तो बने रहिएगा वीडियो के शुरू से एंड तक, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन का बटन प्रेस कर लीजिएगा ताकि आपको आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं ये जो फर्स्ट रिजल्ट जारी किया गया HSSC की तरफ से वो कौन सा है। तो दोस्तों, HSSC की तरफ से असिस्टेंट मैनेजर इलेक्ट्रिकल जो HSIIDC डिपार्टमेंट के अंदर हरियाणा के अंदर था, एडवर्टाइजमेंट नंबर थी 14/2019, कैटेगरी नंबर 7, इसका जो यहाँ पर रिजल्ट है वो आज जारी किया गया है। जनरल की एक पोस्ट थी दोस्तों, टोटल वैकेंसी बता देता हूँ, टोटल 6 पोस्टें थी। जनरल की एक पोस्ट थी जिसमें यहाँ पर रोल नंबर मेंशन किया गया है, इस रोल नंबर का यहाँ पर फाइनल सिलेक्शन किया गया है। 79 कट ऑफ जो है वो यहाँ पर रही है। जनरल वेटिंग में यहाँ पर दो कैंडिडेट्स को रखा गया है, 70 कट ऑफ रही है यहाँ पर। SC की एक पोस्ट थी दोस्तों और 74 जो कट ऑफ है वो रही है। SC वेटिंग में दो कैंडिडेट्स हैं, 66 जो कट ऑफ है वो यहाँ पर रखी गई है। BCA एक पोस्ट थी, 72 कट ऑफ रही है दोस्तों। BCA वेटिंग की रही है, 69 दो कैंडिडेट्स को रखा गया है BCB वेटिंग में। BCB एक पोस्ट थी, 72 कट ऑफ रही है यहाँ पर, और BCB वेटिंग में दो कैंडिडेट्स को रखा गया है, 72 कट ऑफ यहाँ पर रखी गई है। EWS एक पोस्ट थी दोस्तों और 79 जो है मार्क्स मिले हैं, कट ऑफ रही है। EWS वेटिंग में रही है कट ऑफ 71। ASM जनरल की एक पोस्ट थी दोस्तों, 59 कट ऑफ यहाँ पर रही है, और ESM जनरल वेटिंग में दो कैंडिडेट्स को रखा गया है, डिपेंडेंट एक्स सर्विसमैन 47 जो कट ऑफ है वो यहाँ पर रही है। और टोटल जो ये कट ऑफ है वो 100 में से बनाई गई है दोस्तों। 190 का रिटन टेस्ट था और 10 नंबर का सोशियो इकोनॉमिक क्राइटेरिया के नंबर थे 10 से। तो दूसरा रिजल्ट भी हम यहाँ पर देख लेते हैं, दूसरा जो रिजल्ट है वो किस किस भर्ती का है। तो ये है दोस्तों दूसरा रिजल्ट। दूसरा रिजल्ट है किस पोस्ट का है, ऑपरेशन थिएटर असिस्टेंट हेल्थ सर्विस डिपार्टमेंट का है दोस्तों। 15/2019 एडवर्टाइजमेंट नंबर थी, कैटेगरी नंबर 9 थी। तो फाइनल रिजल्ट जो है वो यहाँ पर आज दो फाइनल रिजल्ट जारी किए गए हैं। इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा पोस्टें थी, 100 पोस्टें थी दोस्तों। OTA यानी कि ऑपरेशन थिएटर असिस्टेंट की 100 पोस्टें थी, जनरल की 31 पोस्टें थी दोस्तों। तो इसका यहाँ पर फाइनल रिजल्ट जो है वो जारी किया गया है, 56 कट ऑफ जो है वो यहाँ पर रही है फाइनल। ऑपरेशन थिएटर असिस्टेंट जनरल कैटेगरी की 56 कट ऑफ रही है, और जनरल वेटिंग की रही है 54। उसके बाद SC की 16 पोस्टें थी, 43 जो कट ऑफ है वो यहाँ पर रही है, और SC वेटिंग में रही है कट ऑफ 41। उसके बाद BCA की 12 पोस्टें थी, 48 कट ऑफ यहाँ पर रही है दोस्तों BCA कैटेगरी की। और BCA कैटेगरी के अंदर वेटिंग में तीन कैंडिडेट्स हैं, 44 कट ऑफ रही है दोस्तों। BCB की 7 पोस्टें थी तो यहाँ पर BCB कैटेगरी की रही है 47 कट ऑफ, BCB की वेटिंग रही है 46। EWS की 45 वैकेंसी, 45 जो कट ऑफ है वो यहाँ पर रही है, और 10 पोस्टें थी दोस्तों EWS की। EWS वेटिंग में दो कैंडिडेट्स हैं और जो कट ऑफ है वो यहाँ पर 44 रखी गई है। ESM वेटिंग की, ESM जनरल कैटेगरी की 7 पोस्टें थी, और कट ऑफ की बात करें तो ESM सेल्फ की 25 और डिपेंडेंट एक्स सर्विसमैन की 45 कट ऑफ जो है वो यहाँ पर रही है। और ESM जनरल वेटिंग में कितने हैं, डिपेंडेंट एक्स सर्विसमैन क्या है 32 वैकेंसी जो कट ऑफ है वो यहाँ पर रही है। ESM SC की 2 पोस्टें थी और 42 कट ऑफ रही है। ESM BCA 2 पोस्टें थी, 47 कट ऑफ जो है यहाँ पर रही है फाइनल। इसी तरह से यहाँ पर आज जो है मैंने आपको दो रिजल्ट जो है वो अपडेट जो है HSSC की तरफ से जो दो रिजल्ट की अपडेट आई है वो यहाँ पर आपको बता दी है। तो चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। तो असिस्टेंट लाइनमैन वाली भर्ती की बात है, तो असिस्टेंट लाइनमैन की भर्ती का जो रिजल्ट है वो मार्च के लास्ट तक या अप्रैल के अंदर आने की पूरी पूरी संभावना है दोस्तों। और स्टाफ नर्स का रिजल्ट भी बहुत जल्दी ही घोषित कर दिया जाएगा, इसी के मतलब मंथ में यानी कि मार्च के अंदर अंदर जो रिजल्ट है वो घोषित कर दिया जाएगा। और हरियाणा पुलिस का रिजल्ट जो है उसके उसमें थोड़ा टाइम लगेगा, वो अप्रैल तक घोषित किए जाने की संभावना है।
तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू, जय हिंद।